सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान तो फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान, अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर तो चुने फ्लाई अपीरन जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के 6ठे चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर मतदान जारी है। 6ठे चरण में 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। आज 6ठे चरण में हो रहे मतदान में 14 लोकसभा सीटों पर कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें सुल्तानपुर सीटों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेनका गांधी उम्मीदवार हैं। वहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और आजमगढ़ से ही भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जैसी नामचीन हस्तियां चुनावी मैदान में हैं और इसी मुद्दे पर और इन्हीं हॉट सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आकाश राय नेता बीजेपी, आरिफ हबीब नेता सपा, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, प्रखर श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, रजनीकांत मिश्रा प्रवक्ता रालोद, राहुल सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम बीजेपी के नेता से करेंगे। आकाश जी बताइए, लोकसभा सीट सुल्तानपुर में 2019 का इतिहास क्या बीजेपी फिर से दोहराने जा रही है? 19 में मेनका गांधी ने बीएसपी के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह को हराया था, क्या लगता है इतिहास दोबारा दोहराएगा? नहीं ज्योति जी, सिर्फ सुल्तानपुर की बात नहीं है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पिछली बार 2019 में जो चुनाव के नतीजे आए थे उससे बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार 80 की 80 और देश में भाजपा 270 और एनडीए अब की बार 400 पार, तो उसी नारे पे हम चल रहे हैं। और आज जिस चरण में मतदान हो रहा है, इस चरण की उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसमें कोई शक और संशय भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है। जनता के मुद्दे जो थे हमने उन पे काम किया, हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें की थी हमने उन सभी बातों को पूरा किया, इसलिए जनता लगातार हम पे भरोसा कर रही है। और इसीलिए वो सुल्तानपुर की सीट हो, आजमगढ़ की सीट हो, श्रावस्ती की सीट हो, अंबेडकर नगर की सीट हो, सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी अंतर से जीत दर्ज कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक साथ आ चुकी है, गठबंधन हो चुका है, तो ऐसे में सपा कांग्रेस का गठबंधन मेनका गांधी के विजय रथ को क्या रोक पाएगा? ज्योति जी, ये कोई नई चीज नहीं है। 2017 के चुनाव में भी दो लड़कों की जोड़ी बन चुकी थी और 2019 में जो गठबंधन हुआ था, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में उससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं बना था। उस गठबंधन के बावजूद उत्तर नहीं, कहां पूरा विपक्ष एक साथ है? आप बताइए ना, ये इंडिया अलायंस की परिकल्पना करते हैं लेकिन केरल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मायावती जी इनके साथ क्यों नहीं है, पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं साथ है, और तो और इंडिया अलायंस के जिनको किया ही है, लेकिन सपा आम आदमी पार्टी कांग्रेस ये सब तो एक साथ ही है। नहीं ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस पार्टी और तृणमूल
टीएमसी दोनों आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं कई सीटों पे, तो ये सिर्फ सुविधा सुविधा अनुसार ये गठबंधन बना है। अभी अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में यही पार्टियां एक दूसरे को चालू और चिरकुट बता रही थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अखिलेश जी को अखिलेश अखिलेश जैसे शब्दों से नवाज रहे थे, तो जनता भी जानती है कि इनके गठबंधन में न कोई नीति है, न कोई नियत है, न जनता के लिए कोई काम करने का इरादा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी दिख रही है, अपना परिवार दिख रहा है। आप समाजवादी पार्टी को उठा के देखिए कि आज उत्तर प्रदेश का यादव समाज ये पूछ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में सैफई कुनबे के अलावा कोई यादव ऐसा नहीं था जिसको ये लोग चुनाव लड़ा सके लोकसभा का। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 टिकट इन्होंने यादव को दिया और वो 5ों के 5ों अपने परिवार में बांट दिए। तो समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर थे वही उनके साथ नहीं है, तो टक्कर देने की बात तो बहुत दूर की है। कुछ जगहों पर गठबंधन कर पाए और कुछ जगहों पर नहीं, क्या कहेंगे इस पे आप? आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा इंडिया गठबंधन जो है, राहुल जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। राहुल जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। राहुल जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तब तक हम रालोद के नेता से बात करते हैं। बताइए आपका क्या कहना है जी? जी बताइए क्या कहना है आपका इस विषय में? देखिए एनडीए गठबंधन पूरी तरह से चुनाव जीत रहा है। अभी जिन सीटों पे वोटिंग आज चल रही है इनको भी जीत रहे हैं, पिछले जो 5 चरण में हुए उनको भी जीत रहे हैं, और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में है भाजपा के साथ, लेकिन कहा जा रहा है एनडीए गठबंधन विफल है। हम तो एनडीए गठबंधन में है ना जी, हम तो एनडीए गठबंधन में है जी जी, और हम अपनी बात कर रहे हैं कौन विफल है कौन क्या है। मैं एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सीटें जीत रहा है, एनडीए की सरकार बनने जा रही, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप हो आपके और आपकी पार्टी के और तमाम नेता हो कह रहे हैं सरकार बनने जा रही है, आज 6ठा चरण है, 1 चरण और बाकी है। क्या मुख्य काम है, क्या मुख्य मुद्दा है जो आपको पूरा विश्वास है कि जनता आप पर भरोसा जताएगी? देखिए जो जमीनी काम है, जनता नाराज भी है। देखिए जनता की नाराजगी जनता मालिक है, कहां नाराज है कहां क्या है, लेकिन मुझे तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जनता बहुत नाराज है। वोटर्स होते हैं, कुछ पार्टियों से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन जहां तक जमीनी काम है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, नल हो, घर घर जल हो, मकान हो, पक्के मकान हो, राशन हो, जितनी चीजें हैं, एम्स है, आज रेलवे स्टेशन सारे अमृत भारत योजना के अंतर्गत जितनी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पे पब्लिक को मिल रही है, ट्रेनों में जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये सारी चीजें जो है, जो देश आगे गया है, जो देश विश्व स्तर विश्व पटल पर एक उसका नाम हुआ है, ये सारी चीजें जनता के सामने है और जनता इसको देख के वोट कर रही है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। जनता को देश को आगे ले जाना है, जनता के देश का नाम करना है, जनता मोदी जी के पक्ष में वोट कर रही है, एनडीए के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, और जो बातें कही गई 80 और 400 पार वो पूरा होगा। 4 जून का इंतजार करिए, अभी 1 चरण बाकी है, 5वां आज 6ठवां चरण हो ही जा रहा है, तो ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और सभी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यह कि मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि ये चीजें होंगी, कि जनता को इन सारी चीजों का लाभ है। लोग कहते हैं महिलाओं को शौचालय, पक्के मकान, राशन, किसान निधि, किसान सम्मान निधि, वरिष्ठ नागरिकों की निधि, ये सारी चीजें जो पेंशन है वरिष्ठ नागरिकों का, ये सारी चीजें लागू हैं और चल रही है और सबके खाते में पहुंच रहा है, तो इससे लोग उत्साहित हैं और सभी वोट कर रहे हैं और वोट करेंगे। अभी समय है और कुछ समय पहले तो किसान काफी प्रदर्शन कर रहे थे,
वो प्रदर्शन जो थे उसमें देखे, इसीलिए तो किसान इनको और वोट नहीं देंगे कि इन्होंने किसानों का साथ किसी प्रदर्शन में भी नहीं दिया। अगर प्रदर्शन कर रहे थे तो अगर वो सही थे तो विपक्ष को जाना चाहिए था ना। मैं उस समय विपक्ष में था, मेरे अलावा कोई नहीं गया। और सारे प्रदर्शन पर अगर अगर मोदी जी ने काला कानून वापस किया तो हमने उनको धन्यवाद दिया। अगर 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 पुलिस भर्ती में हम लोगों ने विधानसभा घेरा और योगी जी ने अगर उम्र बढ़ाई तो हमने उनको धन्यवाद दिया। मोदी जी ने मेरे और किसानों के नेता, मेरे क्या सबके नेता चौधरी चरण सिंह को प्रदर्शन दे दिया तो मैंने उनको धन्यवाद दिया। हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कोई विपक्ष का नेता लड़ाई नहीं लड़ा। जब मैं विपक्ष में था, इंडिया आवाज साफ नहीं आ रही है। तो ये जो है बातें हैं। और आप ये चुनाव एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जीत रहा जी। अब हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी से बात करेंगे, उनका क्या कहना है आज के छठे चरण के चुनाव में, बताइए सुनील जी। सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ रही साफ मुझे। हेलो, अरे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हम तक जी। अरे आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, बताइए सुनील जी, अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। सुनील जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो एक बार हम फिर से आकाश जी की ओर चलते हैं। आकाश जी बताइए, आजमगढ़ पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए ज्योति जी, आजमगढ़ की सीट तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आजमगढ़ की सीट पे मैं, क्योंकि मैं मऊ जिले का रहने वाला हूं और मेरा जो घर है वो जस्ट बगल में आजमगढ़ की सीट पड़ती है, तो यहाँ की सगड़ी विधानसभा मेरे बगल की विधानसभा है। और पिछले बार उपचुनाव में सगड़ी विधानसभा से ही लीड हुई थी और यहीं से निरहुआ चुनाव जीते थे। तो अभी का जो हम हाल फिलहाल हमने जो यहाँ पे देखा है कि यादव बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, और इसी MY समीकरण के माध्यम से हमेशा समाजवादी पार्टी कहती रही है कि आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन उस MY में से जो यादव समाज था, क्योंकि यादव आजमगढ़ का यादव आज ये देख रहा है कि क्या पूरे आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के पास 10 विधायक है और उस 10 विधायकों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ा सके। आजमगढ़ सदर के जो इनके विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव, मुझे लगता है कि वो लगातार 7 या 8 बार से विधायक है, क्या वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे? लेकिन परिवारवाद जो इनका PDA है ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके मुताबिक ये लोग सैफई कुनबे से धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाने लेके आए आजमगढ़, और इसका यहाँ की स्थानीय जनता ने भरपूर विरोध किया है और आज मतदान में वो दिख रहा है। और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब ये पता चलेगा कि निरहुआ भारी मतों से आजमगढ़ से चुनाव जीत चुके रहेंगे। लेकिन 19 में तो सफलता नहीं मिली थी। नहीं, 19 का परिदृश्य अलग था। 19 में मैंने पहले भी कहा ना, अपने वक्तव्य के शुरुआत में भी मैंने कहा कि 19 का जो गठबंधन था वो भारतीय राजनीतिक इतिहास के कुछ अद्भुत घटनाओं में से एक था। वैसा गठबंधन शायद दोबारा भविष्य में फिर कभी देखने को न मिले, लेकिन उस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। हमने 64 सीटें जीती, तो आप सोचिए कि जब ये सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको प्यार दिया, हम पे विश्वास जताया, तो इस बार तो ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं और सारे समीकरण ध्वस्त है। जातिवाद की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अभी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के साथी कह रहे थे कि पानी का, सड़क का, रोजगार का, तो आप 2-3 चीजें ज्योति जी उठा के पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगी तो 2014 से पहले कोई भी चुनाव होता था तो सड़क का, पानी का, यादवों की नहीं, ज्योति जी मैं सीट पर मुसलमानों और यादवों की संख्या ज्यादा है। दिनेश लाल यादव नुरहुआ पिछली बार हार गए थे, इस बार फिर उन पे भरोसा जताया है, तो क्या ये यादव समीकरण नहीं है? नहीं नहीं, हमारा, हम तो ये बात कहते हैं ना, हम तो सामूहिक राजनीति की बात करते हैं, हम तो सबको लेके चलने की बात करते हैं। हम इनकी तरीके से नहीं है कि हम MY की बात करेंगे, हम इनकी तरीके से नहीं है कि एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए निहत्ते राम भक्तों पे गोलियां चलवा देंगे। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी अल्पसंख्यक लोगों को भी मंत्री बनाया है, और अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, हमने सिख समाज के लोगों को भी मिनिस्टर बनाया है,
तो हमने तो सबको मौका दिया है, हमने आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हमने दूसरी बार यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, तो हमारे ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने अवसर नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों से आज जनता पूछ रही है कि क्या सिर्फ एक ही परिवार का यादव चुनाव लड़ेगा, पांच इन्होंने टिकट दिए यादव को, एक अखिलेश यादव स्वयं लड़ा। यादवों की संख्या सीट पर ज्यादा होने की वजह से ही आजमगढ़ में सीएम योगी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी बीच में उतारना पड़ा प्रचार प्रसार के लिए। नहीं नहीं ज्योति जी, सिर्फ आजमगढ़ की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक प्रत्याशी के प्रचार के लिए दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रचार के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 2019 का इतिहास दोहराना नहीं चाहती है बीजेपी। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और इसके नाते हमारे पास कम से कम एक दर्जन के आसपास मुख्यमंत्री अन्य अन्य प्रदेशों के, तो वो सारे लोग, योगी जी तेलंगाना में जाके प्रचार करते हैं, योगी जी वेस्ट बंगाल में जाके प्रचार करते हैं, योगी जी मिजोरम में जाके प्रचार करते हैं, तो जहां पे जिसकी जरूरत है संगठन, जिसकी जरूरत जहां समझता है। मैं आपको बता देता हूं, मोहन यादव जी की आपने बात की तो मोहन यादव जी का जनसभाएं सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं लगी, गाजीपुर में भी लगी, गोरखपुर में भी लगी, बस्ती में भी लगी, जहां जहां पे पार्टी जिस कार्यकर्ता की भूमिका समझती है वहां पे उसको लगाया जाता है। मैंने कहा ना कि हम सामूहिक राजनीति की बात करते हैं, हमारा मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस बढ़ते हुए भारत में जो विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत के संकल्प में कोई हमसे पीछे छूट न जाए, ऐसी हमारी मंशा है जी। ठीक है, राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल सिंह जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप। जी हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रही है और हम जमीनी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी है, बच्चों के बीच में कुपोषण है, महिलाओं पर अत्याचार है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का जो हाल है वो देख लीजिए आज। तो ये कह देते हैं कि हम सड़क बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, सड़क बनाइए, पुल बनाइए, आज से थोड़ी बन रहा है तो आगे भी बनते रहेंगे, सड़क तो 5-10 साल पे बार बार उसको बनाना पड़ता है, कोई सड़क ऐसी तो है नहीं जो बन गई तो बन गई। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि सड़क बनाने में जो 5 करोड़ रुपया पर किलोमीटर लगता था वो 18-20 करोड़ कैसे हो गया। मैं कह रहा हूं कि आप काम कीजिए, उस काम में घोटाला नहीं होना चाहिए। तो इनके तो हर चीज में घोटाला हुआ है, रोड बनाने से लेके हर चीज में। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा जब सुप्रीम कोर्ट ने डाटा एसबीआई को, तो डेटा उसमें पब्लिश किया, उसमें साफ पता चलता है कैसे इन लोगों ने कंपनी से ठेका, कंपनीज को ठेका देने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है। और वो छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि पोल्स में भी वोटिंग चल रही है, पोल्स में देखिए कितनी शर्म की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार में ये छपा है कि इंडिया के अ वर्कर फ्रॉम नरेंद्र मोदी पार्टी वॉज फिल्म्ड प्लॉटिंग टू ब्राइब पुलिस। तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं जहां पे पुलिस वोटरों को पीट रही है, संभल में, यूपी में हमने देखा। तो कोई भी ओबीसी हो, कोई भी आज दलित हो, कोई भी मुसलमान हो, मैं तो कह रहा हूं कि मतलब हिंदू लोग इतने गुस्सा हैं नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि आप देखिए ना, एक व्यक्ति आपको कह रहा है कि मैं ईश्वरीय शक्ति से अब काम कर रहा हूं, मेरा तो बायोलॉजिकल शरीर नहीं कर रहा। भाई आप पहले लोगों को बरगलाना छोड़िए और सत्य धरातल पे आइए। आप कह रहे हैं, आप बाबा बागेश्वर वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इस देश में अब कोई ढोंगी बाबा नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा नेता चाहिए जो लोगों के बीच जाके उससे बात कर सके। तो हमारे अखिलेश यादव जी देख लीजिए, तेजस्वी यादव देख लीजिए, राहुल गांधी देख लीजिए, खड़गे जी देख लीजिए, लोगों के बीच जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा नेता चाहिए जो लोगों के बीच जाए, तो क्या सिर्फ जब चुनाव आए सिर्फ तभी लोगों के बीच जाए? बिल्कुल नहीं, चुनाव आए तो भी लोगों के बीच में रहे और चुनाव के बाद लोगों का काम करे। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में 6,000 किलोमीटर के आसपास वो चले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो आप बताइए कि उन्होंने हमारा जो मैनिफेस्टो है, न्याय पत्र है, जो हमारी 5 न्याय 25 गारंटी है, वो पब्लिक के मुद्दों पे बेस्ड है, ठीक है, जो मनरेगा के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई पॉइंट क्यों नहीं रखा गया है? नहीं, एकदम अत्याचार की बात करती है कांग्रेस, सवाल उठाती है उस पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं कोई पॉइंट रखा गया है?
नहीं नहीं आप महिला के सुरक्षा, देखिए महिला सुरक्षा तो हमारा मेन मुद्दा है। आप कोई भी एक केस उठा के देख लीजिए जहां पे कोई भी हो, चाहे वो जो हमारी बॉक्सर सॉरी बॉक्सर नहीं महिला पहलवान थी जो हमारी रेसलर थी उनका मुद्दा हो, चाहे आप अंकिता भट्ट, कोई भी आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत ऑपोजिशन वाले बोले कि संदेश कली पे नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक आदमी बोला है कि संदेश कली में अगर महिलाओं को परेशान किया जा रहा है तो उसको भाई वो अरेस्ट हुआ था, बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो महिलाओं के साथ शोषण कर रहा है उसको अरेस्ट कीजिए, उसको पनिश कीजिए। आप बताइए कि महिला महिला महिलाओं के साथ जहां जहां अपमान हुआ, जहां जहां शोषण हुआ, इस पार्टी ने क्या किया है? इस पार्टी ने महिलाओं को तंग करने वालों के साथ खड़ा होने का काम किया है। आज बृजभूषण सिंह के बेटा को क्यों टिकट मिल रहा है? आखिर क्या उपलब्धि है बृजभूषण सिंह की? जी राहुल जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी से हिंदू नाराज हैं, क्या करेंगे इस पे? नहीं, अब हिंदू हिंदुओं को गाली देने वालों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? जो लोग राम को काल्पनिक बता चुके हैं, जो लोग बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के ये कह चुके हैं, अब बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ और तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ। 2000 मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपना पक्ष ही रख रहा हूँ, आप सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए राहुल भाई। मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं लोगों ने ये आपको इजाजत नहीं दी है। अरे हम ठेकेदार बनना भी नहीं चाहते भाई, हम सनातनी लोग हैं, हम ठेकेदार नहीं बनना चाहते, हम सनातन के लिए काम करना चाहते हैं। इस भारत को जो भारत की संस्कृति और सभ्यता का गौरव है वो गौरव वापस दिलाना चाहते हैं। हम नए लोग नहीं है, अब धैर्य पूर्वक सुनिए, अब धैर्य पूर्वक सुनिए राहुल भाई। आप लोगों ने पुलिस ने जो किया वो मैं यूपी में ठीक नहीं हुआ ना, ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के लिए बात कही कि नहीं कही कि राम काल्पनिक है? आपने ये बात कही कि नहीं कही? आकाश भाई नहीं, बोलिए बोलिए राहुल जी, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, मैं आपके ही काम बता रहा हूँ। अब फिर नहीं सुनते हैं, यही समस्या है, बीच में फिर बुटोक देते हैं। अच्छा आकाश भाई आप लगा के कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं लड़ रहे थे? सुन लीजिए, सुनने के बाद फिर भाई मैं सब बता रहा हूँ, सुनिए पहले। मैं एक एक जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप धैर्य पूर्वक सुनो तो। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के ये बात कही कि राम जी काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। आपके नेता कपिल सिब्बल रामलला के खिलाफ केस लड़ते रहे सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये देश के लोग नहीं जानते हैं? और फिर आप कहते हैं अभी आपके जो सहयोगी हैं डीएमके के तमिलनाडु में, उन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया बताया। कितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोलना चाहिए हिंदुओं को खिलाफ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? गलत बात है तो उसका खंडन क्यों नहीं करते आप लोग? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र ने क्या बोला हिंदुओं को लेके, कभी आप लोगों ने खंडन किया? आप लोगों ने बार बार बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का काम किया है देश में। काम मत कीजिए पहले तो, नहीं ऐसे देखिए। अरे भाई देश को बांटने का काम किसने किया है ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1947 क्या कोई भूल सकता है? देश के दो टुकड़े किसने किए हैं ये कोई भूल सकता है? आप कहां लेके जा रहे हो देश में? हम देश को 2047 तक, हम लोग देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। भारत जो है एक खुला विचारधारा का देश है, देखिए समझिए जी। मैं कह रहा हूँ आकाश भाई बोले, मैं इसका जवाब देता हूँ। आकाश भाई सुनिए मैं कह रहा हूँ कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं किया था? देखिए भारत में अपनी अपनी सोच रखने की आजादी है, आप समझिए। विवेकानंद जी ने धर्म संसद में जाके और ये रखा था कि भारत जो है, जो हमारा धर्म है, जो सनातन है, वो सिर्फ टॉलरेंस के लिए नहीं जाना जाता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टॉलरेंस, इट इज अबाउट टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। सर एक मिनट, लेट मी फिनिश। यात्रा के दौरान कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, किस शक्ति से वो लड़ रहे हैं?
वो बुरी शक्तियों से जो आज देश को तोड़, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी कहा जा सकता है, किस शक्ति से? नहीं नहीं, ज्योति ज्योति जी, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने साफ कहा था कि देश की वो शक्तियां जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो देश की संपत्ति आज कौड़ियों के भाव खरीदने की कोशिश कर रही हैं, जिनके चलते आप बताइए कि अडानी आज नहीं, नहीं, के टॉप गलत 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 बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा था कि हिंदू शक्ति की पूजा करते हैं, हिंदू शक्ति की पूजा करते हैं। मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका माइक म्यूट करें। प्रखर जी आप बताइए, दिल्ली की 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? ज्योति जी सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। ज्योति जी आज सुबह से मैं सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं डिबेट में आपके सम्मानित डिबेट में बहुत देरी से जुड़ा कुछ कारणवश। आज हम लोगों की सबकी नजर सुबह से पोलिंग बूथों पर है, स्टेशन पर है कि कैसे क्या चुनाव चल रहा है क्या नहीं है। आज की तस्वीरों ने, मैं कुछ अपनी 7 तस्वीर लेकर आया हूं जो मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। एक तस्वीर ये है, ये इनके बूथों का हाल है, बीजेपी के बूथों का हाल है। मैं आपके दर्शकों, मैं आपके चैनल से चाहूंगा कि ये फोटो जरूर दिखाई जाए। कुछ फोटोज जो हम लोगों के सामने ये आई हैं, इससे साफ साफ स्पष्ट हो रही है, देखिए किस तरीके से लोग इनके पास पोलिंग बूथ बैठाने के लिए लोग नहीं है। आप देखिए, मैं आपके दर्शकों से मैं आपके चैनल से चाहूंगा कि कृपा करके इस विजुअल्स को दिखाएं। देखिए दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस का हाथ और आम आदमी पार्टी की झाड़ू, उस हाथ में झाड़ू पकड़ के टुकड़े हुए जो मुरझाए हुए कमल के फूल है उनको झाड़ू लगाने का काम दिल्ली की जनता ने आज सुबह से मन बना लिया है। आज किस प्रकार से कतारों में लोग लगकर आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं, ये वोट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए वोट करा जा रहा है, ये वोट आरक्षण को बचाने के लिए जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। आज ये वोट हमारा देश का युवा कर रहा है जो बेरोजगारी की वजह से आज अब समाज में इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है कि वो ई रिक्शा और छोटे छोटे व्यापार करने के लिए विवश हो चुका है। आज ये वोट वो अग्निवीर के लोग कर रहे हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर जैसी पॉलिसी लाकर देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। कि मतलब आप सोचिए तो ज्योति जी, विडंबना देखिए कि 60 साल का पिता नौकरी करेगा और 17 साल का बच्चा अग्निवीर में भर्ती होकर 21 साल में 4 साल बाद रिटायर होकर घर बैठेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे बीसीसीआई चलाएंगे जिनको क्रिकेट का बल्ला भी पकड़ना नहीं आता, बॉल भी पकड़नी नहीं आती। आज ये वोट दिल्ली में और ये छठे चरण में उस नाम पर पड़ना मैं ये देख रहा हूँ लगातार और मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ। आपकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं पर ईडी की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री भी अभी 2 जून को वापस जेल जाने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो कौन चलाएगा सरकार दिल्ली में? जनता किसके भरोसे वोट देगी? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है। ज्योति जी मैंने आपको भी एक विजुअल दिखा, किसको वोट करेगी? ज्योति जी मैंने आपको एक छोटे से विजुअल्स कुछ दिखा दिए, बहुत सारे विजुअल्स हैं कि जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है किस तरीके से बूथों का हाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पहला। दूसरा मैं जवाब दे दूं, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता और देश की जनता और आपकी सम्मानित जनता बेहतर जानती है किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग भारत सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने करा है। कोई भी अगर जितना भ्रष्ट हो, जितना भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति हो, जितना भ्रष्ट से भ्रष्ट बलात्कारी हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के शरणों में चला जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शरणों में चला जाता है, वो उसके सारे पाप और सारे दाग धुल जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा पाउडर है। तो ये चीज हमको भी मालूम है, आपकी सम्मानित जनता को भी मालूम है और दिल्ली की जनता और देश की जनता को भी मालूम है किस तरीके से राजनीतिक से प्रेरित होकर हमारे आम आदमी पार्टी के लोग लीडर्स पर कार्रवाई की जा रही है। और ज्योति जी ये स्पष्ट है, मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ, ये स्पष्ट है कि 4 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय झूठा पार्टी
ये सारे नेता उठाएंगे झोला और इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और आप देखिएगा, जाने ऐसे नहीं दिया जाएगा। एक एक आप कह रहे हैं ज्योति जी उसके पाप धुल जाते हैं। 2013 में आप ज्योति जी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो क्या आप कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में आ गई है तो उसके भी पाप धुल गए? पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा एथिक्स और मॉरल और थोड़ा सा मैनर सिखाइए कि अगर जब डिबेट्स के एथिक्स और नॉर्म्स ये ठीक से जाने, जब दो लोग बात कर रहे होते तो बीच में इंटरप्ट नहीं करा जाता। हाँ ज्योति जी, आप क्या सवाल पूछ रही थी बताइए। 2013 में आपकी ही पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो क्या अब आपके साथ वो गठबंधन में कांग्रेस आ गई तो उनके भी पाप धुल गए? आपने कहा बीजेपी के साथ जो नेता चला जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए, मैंने आपको ज्योति जी मैंने आपको बहुत पहले स्पष्ट करा था कि ये गठबंधन लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बचाने के लिए गठबंधन है, किस हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण को बचाने का गठबंधन है, किस तरीके से देश के अंदर तानाशाही चल रही है उस तानाशाही को हटाने के लिए गठबंधन है, किस तरीके से विपक्ष के नेता के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसके लिए गठबंधन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कुछ थोड़ा सा इतिहास याद दिला दूं। ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि कांग्रेस को पानी पीपी के गाली दिया करते थे, आज उनके साथ गठबंधन में जुड़े हुए हैं, तो मैं पहला उनको कुछ चीजें हैं जो उनको इतिहास मुझे मालूम है याद नहीं होगा, मगर आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक याद दिला दे रहा हूं। पहला इतिहास मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, 1989 में जनता दल आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी थी, जिसको आज ये पानी पीपी के गाली देते हैं। ज्योति जी, ये बड़ा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, याद करिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार ने एक ऐसी टिप्पणी करी थी, ऐसे ही विधानसभा के अंदर शब्दावली का प्रयोग करा था जिसको हम और आप अपने समाज के साथ बैठ के देख नहीं सकते थे। आदरणीय गृह मंत्री ने क्या कहा था ज्योति जी? कहा था कि ताला बंद कर दिया गया है, दरवाजा लगा दिया गया, ऐसा कुंडी लगाई गई है कि वो कभी नहीं खुलेगी। मगर देखिए बेशर्मी की पराकाष्ठा, देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार, ये लालच के, ये सत्ता के इतने लालची लोग हैं कि देखिए जाके सरकार बना ली एक बार। और अच्छा आप एक बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग, ज्योति जी कहते थे ना पीडीपी को ये लोग, भारतीय झूठा पार्टी क्या कहती थी? टुकड़े टुकड़े गैंग। महबूबा मुफ्ती को सरकार किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अच्छा मुझे ज्योति जी एक बात और बताइए, याद है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब बंगाल गए थे, बंगाल में क्या कह रहे थे? ए दीदी, ओ दीदी, ए दीदी, याद करिए। ममता बनर्जी जी कांग्रेस के खिलाफ जब चुनाव लड़नी थी, किस पार्टी ने समर्थन दिया था? मुझे आप ये बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो थी समर्थन देने वाली। तो देखिए ये सत्ता के लालची लोग हैं, ये इनके ऊपर तानाशाही का बुखार चढ़ चुका है, तानाशाही का बुखार चढ़ चुका है। इस वजह से जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आता है वो साफ हो जाता है, सारे आरोप उस पर हट जाते हैं, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ज्योति जी अब मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो थोड़ा समय मुझे दीजिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि मोदी जी और ये सारे भाजपा के नेता 4 तारीख को झोला उठा के चल देंगे, तो हम तो 4 तारीख को जाएंगे कि आएंगे ये तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने यह तय कर दिया है कि 2 तारीख को आपको झोला उठा के जेल में चले जाना है आपके शीर्ष नेता को, पहली बात जान लो। और दूसरी बात, आप जो ये सारी बातें कर रहे हैं प्रोपेगेंडे वाली, इसी अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, और सबसे पहले उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। और आज मैं एक बात कहता हूं ज्योति जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोला था वो भाषण कभी उठवा लीजिएगा और चलवा दीजिएगा, और जितने भी देश के नेता थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, सारे नेताओं को एक समय अरविंद केजरीवाल पानी पी पी के कोसते थे और कहते थे कि सारे के सारे लोग भ्रष्टाचारी है, और आज उन्हीं लोगों के गोद में जाके ये बैठ गए। क्या इनका मोरल है? क्या ये नैतिकता के आधार पर ये बात करने वाले लोग हैं? और ये कह रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ,
मैं हर एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए ना कि आखिर ये और आप एलिगेशन पे जवाब दीजिए ना। अरे भाई ये बात सुन लीजिए, आप लोग बैठवा जाते हैं, आप लोग धैर्य पूर्वक सुनते नहीं है, आप लोग बैठवा जाते हैं, आप लोग धैर्य पूर्वक सुनते नहीं। मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूं। आप मैंने धैर्य पूर्वक सुना है, आप भी धैर्य पूर्वक सुनो। उसके बाद ये कुछ आपको ग्राफिक्स दिखा रहे थे, तो ये सुबह 5 बजे जब वहां पे सारी चीजें की जाती हैं तो जाके एक दो फोटो खींच के और उसको वायरल करने से चुनाव में जीत नहीं मिलती है, चुनाव में जनता वोट करती है। और दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती और 24 में भी जीतेगी। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद दिल्ली से हटा क्यों दिए गए? फिर क्या समस्या है? दिल्ली आप बीच में बोल दिए, फिर आप बीच में बोल दिए, फिर आप बीच में बोल दिए। मैं बता रहा हूँ, एक भी जवाब नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, आपके पास भी नहीं, समय मांगा कि जवाब देंगे, लंबा टाइम दीजिए। आप एक भी जवाब नहीं दे रहे, मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, आप बताइए ना, दूसरे पार्टी से अपने पार्टी में कैसे ले लिया? अभी प्रखर श्रीवास्तव जो अभी प्रखर श्रीवास्तव बहुत सारे आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, मारपीट के अपराधी फलाने, उनको पता होना चाहिए कि सोमनाथ भारती से लेके अमानतुल्ला खान तक ये वो लोग हैं जो लोग अपने मतलब घर में मारपीट करते हैं, अपनी पत्नियों से मारपीट करते हैं। तो ये लोग बात करेंगे, समाज को जान देंगे। इनके नेता आधे नेता इनके शराब घोटाले में जेल चले गए, आधी कैबिनेट जेल चली गई, इनका मुख्यमंत्री जेल से घूम रहा है, इनका मुख्यमंत्री जेल से घूम रहा है और ये ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। मतलब की बेल पे घूमने वाले लोग देश की जनता को गैर बांटेंगे। भाई अनिल देशमुख आप पे आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र फर्नांडिस ने उन्हें साफ बोला कि आप आरोप लगाइए बाला साहब उद्धव ठाकरे जी पे, आदित्य ठाकरे जी पे, तो ये क्या है? उन्होंने ईडी को भेजा कि आप एफिडेविट करके दीजिए, आप आरोप लगाइए, पार्टी तोड़िए, सरकार गिराइए। ठीक है, अनिल देशमुख को कोर्ट ने तो छोड़ दिया। लेकिन चुनाव के टाइम पे आरोप प्रत्यारोप करना कोई भी कर सकता, क्या इस बार भी वो गढ़ अपनी मजबूती बनाए रखेगा? अनिल देशमुख को यूज किया गया पार्टी तोड़ने के लिए। आपके पास आएंगे, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, बोल लेने दीजिए। जो 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है यूपी में और 14 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, इस बार भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो रहा है यूपी में। इस तरीके से जिस तरीके से इनका उड़ाहट दिख रही है सामने, 14 सीटें इस बार इस चरण में हम जीत रहे हैं, आगे चरण में हम जीतेंगे, 7वें चरण में हम जीत रहे हैं। इनका पहले चरण से इनका सफाया हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की बौखलाहट साफ दिख रही है। 14 सीटें हम जीत जाएंगे इस बार इस चरण में। और जहां पर मतदान प्रतिशत है देख लीजिए, अभी 41-43% हो चुका है। जहां मतदान प्रतिशत बढ़ता है तहां हम लोगों की सीटों जीतने की संख्या बढ़ जाती है और हम 14 सीट जीत जाएंगे इस बार। कोई जहां तक है तो बीजेपी हार जाती है जी, मतदान अगर घटेगा तो सीटें हमारी बढ़ेगी जी। और जहां 50 से जहां पे हम बढ़े, मतदान प्रतिशत बढ़ा, तहां सीटें हमारी बढ़ जाती हैं और सीटें हमारी इस बार 14 जीत रहे हैं हम। भाजपा की बौखलाहट जो साफ साफ दिख रही है, अभी जो भाई साहब भाजपा के प्रतिनिधि कह रहे थे कि क्या नाम है, इन लोगों ने गठबंधन बनाया, ये किया वो किया, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो कह रहे हैं कि लाइन ऑर्डर यूपी सबसे लाइन मेंटेन किया, आपने क्या लाइन मेंटेन किया? आपने सबसे ज्यादा पेपर लीक यहाँ पर रामपुर में, यहाँ पे यूपी में हुआ, सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ, और आप क्या बुडो चलाए उनके खिलाफ, उन माफियाओं के खिलाफ क्या किया आपने? लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब यहाँ पे है। आपके जो भाजपा के लोग हैं वो क्या नाम है, अगर कुछ करें क्राइम करें, जितने क्रिमिनल्स आपके शरण में आ गए हैं भाजपा में के शरण में, जितने क्रिमिनल थे वो सब आपके शरण में आ गए हैं। अब वो सही हो गए हैं, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ है वो उसके खिलाफ बुडो चला रहे हैं आप, तो लॉ एंड ऑर्डर बुरा फेल है। आपने बेरोजगारों को दुखी किया है, बेरोजगारी चरम पे है। आप पेपर निकालते हो, विज्ञापन निकालते हो, बच्चे भरते हैं फार्म, इसके बाद वो है तो हाई कोर्ट में फंस जाता है आपकी कमी के कारण, आपके अधिकारों कमी के कारण, या फिर पेपर लीक हो जाता है। कोई आपकी भर्ती सफल नहीं हो पा रही है। अभी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ रहे हैं, इसे
बताइए रजनीकांत जी, बताइए रजनीकांत जी। देखिए मैं एक चीज कह दूं कि एनडीए गठबंधन चुनाव पूरी तरह से जीत रहा है और मैंने जो मुद्दे बताए उसी पे जीत रहा। दूसरी चीज अभी बातें आई कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो बौद्ध धर्म तो क्या धर्म को अपना लिया तो बहुत परिवर्तन करते हैं, तो क्या कोई धर्म खराब हो गया? ये तो कहने की कोई बात नहीं। धर्म परिवर्तन के लिए कानून क्यों लाई है अगेंस्ट में 10 स्टेट में बताइए, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप भले शांति से सुनिए ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। नहीं आप बहुत बड़े टाइप के आदमी हो, तुम हमेशा बीच में कूदते हो, आप बदतमीजी करते हो, तो जवाब भी दे दीजिए साथ में। आप बदतमीज हो, एलिगेशन के साथ जवाब भी दीजिए। आप पहले हम बात करें, आप सुनिए, आप बहुत बड़े क्या नहीं हो, कुछ आता जाता है नहीं तुम्हें, खाली बोलते हो तुम बीच में। आपने जब बोला मैंने अंबेडकर जी के बारे में बताया, मैंने इसलिए तर्क दिया था क्योंकि मैं बोलना चाह रहा था सारे धर्म की इज्जत बराबर की जाती है। आप अपना तर्क बताइएगा हमको, आप रीजन दीजिए ना, क्या रखिएगा, क्यों नहीं दूसरी सुनिए। नहीं, आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी आज के नेता जेल में है, वो कंप्लेंट कांग्रेस का है, वो कांग्रेस ने उनको वो शराब घोटाले पर उनको जेल कर डाला है, उन्होंने उसका कंप्लेंट किया था और किसी ने नहीं किया था, इसकी सफाई भी इनको देनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इस बात के अलावा कुछ जवाब भी दीजिएगा, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, सरकार के लिए जवाब दीजिएगा, आप लोग सवाल कर रहे हैं तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप इनको बंद करने का तरीका है, अगर आप नहीं करा सकती हैं तो डिबेट चलेगी, आराम से अपना अपना पक्ष रखिए। देखिए बीच में बोले, अभी बात आई कि मैं खिलाड़ियों की लड़ाई में लड़ा, गलत बात है। जयंत चौधरी के अलावा कोई नहीं लड़ा, नहीं गया कोई, किसी दल का नेता नहीं गया, गलत बात है। तो जो महिला खिलाड़ी बहने जंतर मंतर पर बैठी थी उनके समर्थन में कोई नहीं गया, मैं गया। मैं झूठ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के सब लोग गए हैं, इन लोगों को कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, हम लोगों ने महिला वहां से बिल्कुल एकदम बिल्कुल कोई नहीं गया। आप कह रहे हैं आपको वीडियो भेज देंगे, आपको वीडियो भेज देंगे, आप भेजिए ठीक है ना, हमारी पार्टी बिल्कुल, आप क्या झूठ बोल रहे हैं सर, वापस ले लूंगा, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आप बताइए अभी चुनाव के दौरान 7-8 मई को संबल में योगी जी की पुलिस ने लाठी चार्ज करवाया वोटर्स पे, जवाब दीजिए, डिफेंड नहीं कर रहे हैं आप, एनडीए सरकार को डिफेंड कर रहे हैं सर, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप गलत बात कर रहे हैं, आप अभी बताइएगा ना रजनीकांत जी, अपनी बात आपको समय मिलेगा, आप बताइए सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, मैं सवाल किया हूँ, आप जवाब दीजिए, बताइएगा। बात छोड़िए राहुल जी, सुनिए, माइक म्यूट कराना पड़ेगा आपका, दूसरी चीज बोलने का मौका मिलेगा तब बोलिएगा। दूसरी चीज, कोई बुनियादी वर्क नहीं, किसी आंदोलन में लड़ाई नहीं लड़ना, कोई काम नहीं करना, जब चुनाव का समय आएगा तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 10 साल सरकार में थे, जवाब दीजिए, क्या आप आंदोलन में खड़े थे महिला पहलवानों के साथ? राहुल जी हम पूछ रहे हैं, मैं सुनिए, मैं उस समय आप ये जवाब नहीं दे रहे हो, मैं चैलेंज के साथ स्वाति जी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये जो भी मैं आप जैसे निकम्मे लोगों के साथ संबल में लाठी चार्ज क्यों हुआ, संबल में ये जवाब नहीं देंगे कि वोटर्स को ये क्यों पिटवा रहे हैं, इनको चुप कराइए, सही क्यों ला रहे, ये जवाब नहीं देंगे, आप देख लीजिएगा संबल पे ये एक शब्द नहीं बोलेंगे, जवाब वो जनता को देंगे, सबको जवाब देना, मैं जवाब दूं, अरे हम लोग जनता के ही प्रतिनिधि है भाई, करके अपना पक्ष रखिए, अरे मैं जवाब दूं राहुल जी, विपक्ष को 10 साल से कोस रहे हैं, अरे आप सुनिए तो, मैं तो आपके सामने, मैं तो 3 महीना पहले, आप लोग निकम्मे लोग हो, आपका साथ छोड़ना मेरी मजबूरी थी, आप लोग कोई आंदोलन नहीं करते हो, आप लोग कुछ नहीं करते हो, आपका धावक बनता है, धावक बनने से देश नहीं चलता, मुद्दों से देश चलता है, क्या बात करोगे तुम, आप लोग निकम्मे लोग हो, कोई लड़ाई नहीं लड़े, आप भाजपा से डरे हुए लोग, तो अकेले हम लड़ते हैं सरकार को, किसी के साथ गलत के साथ हैं, तक नहीं बिठाते हैं, एक जज को इंसाफ नहीं मिल रहा है, एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा, आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं दिलाऊंगा, चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं दिलाएंगे, आपके प्रधानमंत्री चाय बेचे 30 साल उसके आप जैसे ऐसा आदमी डेंजरस है हमारे देश के लिए, जो खाली झूठ बोल रहा है, और ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए हमारे
रजनीकांत सर, ऐसे आदमी के साथ सर आ जाते हैं। रजनीकांत सर देखिए आप तो हमें रजनीकांत सर आप सीनियर आदमी, आपको समझना चाहिए कि नागरिक के पास। राहुल जी आपके पास आएंगे। अभी जो लोकदल के भाई साहब कह रहे थे मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो किसानों के आंदोलन में कहते साथ में थे, फिर किसानों के ऊपर हमला करने वाले इनको रोने वालों के साथ कहीं चले गए। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? आपने आपने करा आपको सिर्फ यूपी में मंत्री पद मिल गया और आपके राष्ट्रीय नेता को केंद्र सरकार में मंत्री पद का दावत मिल गया, आप चले गए। 7 सीटें आपको दी थी हमने, कहां धोखा दिया? 7 सीटें आपको मैंने दी थी। आप कान में बताते 1-2 सीट पे चले गए, आप 7 से 2 पे चले गए। आप अरे तो आपको मंत्री पद मिल गया प्रदेश में और केंद्र में मिलने का दावत मिल गया और आप वोट मेरा नेता और मैं भी दावा केंद्र में सरकार नहीं बन रही एनडीए की, फिर आप हमारे पास आओगे 4 तारीख के बाद, फिर आप हमारे पास आओगे। समर्थन मिल गया है सपा को, पहले उन्होंने न्यूट्रल रहने की बात कही थी, अपने समर्थकों को भी कहा था जहां चाहे वहां वोट दे, लेकिन अब खुला समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने राष्ट्रीय लोकदल के भाई को कहता हूं कि 4 तारीख को एनडीए सरकार नहीं बन रही है, इसके बाद आप हमारे पास फिर आइएगा, आपका हम स्वागत करेंगे। और इस तरीके से सरकार को डिफेंड न कीजिए, सही बातें बोलिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता जी मिश्रा जी, सही बात बोलने के लिए आप जानते हैं किसानों की पार्टी है आप, और सही बात बोलिए। 4 तारीख ज्योति जी आप अपना सवाल पूछिए क्योंकि बहुत शोर आ रहा था, मैं कोई बिल्कुल भी डिबेट के बारे में सुन नहीं पाया जी। बताइए तमाम आरोप यहाँ लग रहे हैं एक दूसरे पर, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ज्योति जी, इस देश के अंदर 3 चीजें होना मुश्किल ही नामुमकिन है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक बताना जा रहा हूं। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सच बुलवाना, ये 3 चीजें देश में नहीं हो सकती हैं ज्योति जी कभी भी। और हम लोगों ने ये चीज देख भी लिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और RLD राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी बड़े बड़े बखान दिए जा रहे थे। यही जैन चौधरी जी थे जिनकी इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में स्थिति थी कि कहीं नहीं थे, इनके कुछ गिने चुने 1-2 विधायक होंगे तो 1-2 विधायक होंगे। उसके बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको राज्यसभा पहुंचाने का काम करा, जब उस शिखर को पहुंच गए जिस शिखर पे ये लायक भी नहीं थे, उसके बाद इन्होंने क्या करा, जरा सी सत्ता की लालच के लिए इन्होंने जिसने इनको सीढ़ी चढ़ाकर ऊपर पहुंचाने का काम करा उनको इन्होंने तुरंत दरकिनार कर दिया, छोड़ दिया साथ। तो देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जैसी मानसिकता रखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं माननीय सांसद संजय सिंह जैसी मानसिकता रखते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो राहुल गांधी जैसी जी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी की राज्यसभा सांसद क्या उनका साथ छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने? देखिए आपको मैं का कहना है कि अगर मेरी सीट चाहिए थी तो प्यार से मांग लेते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अब तो उन्होंने चैलेंज दिया है कि वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगी। ज्योति जी आपने सवाल पूछा, मुख्यमंत्री आपके पार्टी के ही मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और किसी और का मामला होता है तो वो खुला प्रदर्शन करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद महिला सांसद के साथ ऐसा हुआ है उस पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्यों? ज्योति जी मैं बोलूं, आपने सवाल पूछ लिया, आपने मुझसे सवाल साफ साफ ये पूछा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालवीय के ऊपर क्यों नहीं बोला, पहला सवाल आपका। दूसरा सवाल आपके ऊपर ये होता है, आपका ये है कि इस तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़ना हुई, ये 2 सवाल है ना आपके। मैं पहले सवाल का जवाब दिए दे रहा हूँ, मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर एक वीडियो साझा कर दे रहा हूँ जिसमें आदरणीय अरविंद केजरीवाल एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे स्वाति मालवीय के ऊपर सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट होकर बोला है 2 चीजें कि ये मामला बात उन्होंने कोर्ट के ऊपर रखी है, यही मैं कह रहा हूँ कि ये मामला ये हमारी पार्टी का मामला है जिसमें 2 लोग हैं, विभव कुमार और स्वाति मालवीय, दोनों में आपस में किसी प्रकार का क्वारल होता है, क्वारल जो क्वारल होता है वो चला जाता है बाहर मीडिया की तरफ, सड़कों पर आ जाता है,
और इसमें दिल्ली पुलिस और न्यायपालिका संज्ञान लिए हुई है और आम आदमी पार्टी का हर एक व्यक्ति और इस देश की जनता का हर एक व्यक्ति यही आशा यही यही आशा करता मुझे मुझे कह दो आपने सवाल पूछा मैं सारे जवाब दे रहा हूँ ज्योति जी मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ मैं आपको जवाब दे रहा था कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ के ऊपर अत्याचार की बात करते हैं आप अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ ज्योति जी के जवाब बहुत अच्छे आप बोलते हैं और आपके आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है उसके बाद बेसरमी के साथ डिफेंड करते हैं उसको ये मान्य नहीं किया जाएगा अगर बोलना शुरू कर भारतीय जनता पार्टी ने साथ इस डिबेट में बिल्कुल नहीं कहेगा बिल्कुल कार्यालय बनवाए सात को नए कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपने मुझसे सवाल पूछा मैं आपका जवाब देने बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे बोलना बीच में आकर ये डिबेट का स्तर होगा क्या आपने मुझसे सवाल पूछे आपने मुझसे तीखे सवाल पूछे मैं जवाब दे रहा हूँ जी मैं आपसे आखिरी बार निवेदन कर रहा हूँ आपने आकाश जी मैं अपनी टीम से कहूंगी आकाश जी का माइक म्यूट करिए प्रखर जी अपनी बात रखिए देखिए बता दे रहा हूँ किस तरीके से स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में आकर आम आदमी पार्टी को डिफेम करने की आप अच्छा मुझे आप एक बात बताइए मैं तीन सवाल आपसे पूछ रहा हूँ आपके आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से स्वाति मालीवाल का सो कॉल्ड कहना होता है कि उनको बुरी तरीके से मारा गया सीएम हाउस के अंदर पहला उनको इतना मारा गया कि उनका पैर टूट गया पैर में चोट आ गई ऐसी चोट आ गई वो चलने लायक नहीं थी तीसरा उनका आरोप लगता है कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए चौथा आरोप ये लगता है साफ साफ खुला खुला आरोप लगाती है कि वो उस इस प्रकार से स्थिति थी कि वो चल के जाने वाली नहीं थी हम लोगों के सामने तीन विजुअल्स आए देश की जनता के तीन विजुअल्स आए पहला मैं पहला पहला जवाब दिए दे रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी कोई आम आदमी तो होता नहीं है क्या उनके क्या उनसे उनसे अपॉइंटमेंट था उनका जो वो पहुंच गई पहला जबरन उनके ड्राइंग रूम में घुस जाना दूसरा किस तरीके से विभव कुमार को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करना इसकी वीडियो आपने आपकी देश की जनता ने और आपके दर्शकों ने बहुत अच्छी तरह देखी किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग विभव कुमार जी द्वारा उपयोग कर रही थी तीसरा हमने सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज और देखी जिसमें उनकी पूरे कपड़े ठीक ठाक थे अपने पैरों से वो बाहर चल के गई हैं चौथा आप एक बात बताइए जब 112 डायल हो चुकी थी पुलिस तो आ चुकी थी तो एफआईआर एक मिनट के मैं 112 डायल हुई 112 हुई 112 डायल हुई एफआईआर क्यों नहीं तुरंत लिखी गई मेडिकल क्यों नहीं तुरंत कराया गया तीन दिन का डिले ऑफ एफआईआर क्यों थी तीन दिन का डिले ऑफ मेडिकल क्यों था मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरा सीधा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा है कि अगर झगड़ा हुआ मारपीट हुई कपड़े उनके साथ बदसलूकी हुई तो तीन दिन का डिले ऑफ एफआईआर क्यों हुई तीन दिन का डिले ऑफ मेडिकल क्यों हुआ क्यों नहीं उन्होंने ऑन मैं कह रहा हूं ऑन एक्स एक्स पर आकर सोशल मीडिया पे किसी को क्यों नहीं बोला कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई क्यों नहीं बोला गया ये साफ साफ मंचक क्लियर है कि दिल्ली का चुनाव करीब था हर आदमी अरविंद केजरीवाल जैसी साथ नहीं रखता न माननीय सांसद संजय सिंह जी की साथ रखता जो तानाशाही के खिलाफ तो इसलिए अब हम आकाश जी से उनका जवाब लेंगे आकाश जी बताइए ज्योति जी सबसे पहले तो महिला सम्मान की बात ये कर रहे थे
और एक राज्यसभा की सांसद को जो इन्हीं की पार्टी की सांसद है, इन्हीं लोगों ने उसको सांसद बनाया, वो उस महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट होती है और उसको ये चैनल पे बैठ के डिफेंड करेंगे, तो ये बुद्धि नहीं हुआ। जवाब एक ही लाइन बोले जा रहे हैं ज्योति जी। अरे केस चल ज्योति जी जब, अरे यार फिर आप लोगों को क्या समस्या है, बीच में आप लोग बोलना शुरू कर देते हो। आप क्या चाहते हो कि देश की जनता सच्चाई न सुने? इस प्रकार से चलेगा क्या? इस प्रकार से चलेगा क्या? ज्योति जी इनका माइक बंद करवाइए, ज्योति जी इनका माइक बंद करवाइए, ज्योति जी इनका माइक बंद करवाइए। ये सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे मोदी जी के संसद ये सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आकाश जी अपनी बात रखिए। दो महीना बाद एफआईआर हुआ, दो महीना बाद एफआईआर हुआ क्यों? अरे भाई फिर वही स्थिति है ज्योति जी, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की डिबेट में। अरे यार शांत रहो मेरे भैया, आपने भारी पे बोलना, ये क्या तरीका है? क्यों नहीं बात पूरी करने दे रहे हैं? ये डिबेट चल रही है, डिबेट को क्या बना दिया है? बोलने दीजिए ज्योति जी, आपको भी बोलने का मौका मिला है। ज्योति जी आपकी पूरी परिचर्चा में तीनों लोगों ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया, तीनों लोगों ने नाम लिया। लेकिन इन तीनों लोगों को, ये तीनों लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ये तीनों लोग इंडिया अलायंस के तथाकथित सहयोगी हैं। तो देश में जो पहले आम चुनाव हुए 1952 में, क्या कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपना प्रत्याशी लड़ाया कि नहीं लड़ाया? नेहरू जी बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने गए कि नहीं गए? और गए तो क्यों गए? ये लोग बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर की और संविधान की बात करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना थी, संविधान का जो प्रीएम्बल था जिसको बाबा साहब ने आत्मा कहा था, उसमें भी छेड़खानी किया इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने और फिर ये संविधान और बाबा साहब की दुहाई देते हैं। अरे बाबा साहब को अगर सम्मान किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया, संविधान को अगर किसी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लोगों से पूछिए, फिर बीच में बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, आप क्या समस्या है ना कि आपके संसदीय क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में समय की कमी है? स्वाति मालियाल के ऊपर बयान नहीं होगा, इसको जवाब के लिए प्रधानमंत्री वोट क्यों मांग रहे हैं? स्वाति मालियाल के ऊपर वोट क्यों मांग रहे हैं प्रधानमंत्री? ज्योति मालियाल के ऊपर ज्योति जी जवाब दीजिए। ज्योति जी मेरा ज्योति जी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 10 सीट ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। वहीं 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिली थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा पाई थी। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट जीती थी पर उसके बाद 2022 में उपचुनाव में वह सीट भी सपा के हाथ से निकल गई थी। इस बार हो रहे इन सीटों पर चुनाव में भाजपा और गठबंधन दोनों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा अपना काम बताकर लोगों को अपने पक्ष में वोट मांगने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है, तो वहीं गठबंधन भाजपा की कमियां बताकर और भाजपा के आने से क्या नुकसान होगा इसको बताने में लगा हुआ है ताकि वो जनता को गुमराह करके ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पाले में कर सके। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज हो रहे छठे चरण के इस मतदान में कौन किस पर भारी पड़ता है। जनता जनार्दन है और जनता ही ये फैसला करेगी किसको दोबारा गद्दी पर बैठाना है और किसको उस गद्दी से हटाना है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ। सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय फ्लाई अपीरल, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान तो फ्लाई अपीरल बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान, अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान।
फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलीडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलीडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीरन जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन।